नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एके कारपेट्स में। आप देख रहे हैं मारुति की प्रीमियम हैचबैक बलिनो। आज हम बात करेंगे इस गाड़ी की, क्या प्राइस है, क्या फीचर्स मिल जाते हैं और क्या सेफ्टी प्रोवाइड करी जाती है। सबसे पहले हम इस गाड़ी के प्राइस से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है 6,66,000 रुपये से और टॉप मॉडल की कीमत है 9,88,000 रुपये। आप देख रहे हैं मारुति बलिनो का बेस मॉडल सिग्मा और इसकी एक शोरूम प्राइस है 6,66,000 रुपये। और आज मैं हूँ जीवन मोटर्स अपोजिट आसिमा मॉल होशंगाबाद रोड भोपाल में। तो यहाँ पर ये गाड़ी आपको लगभग 7,55,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए मैंने फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप कांटेक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अभी इस गाड़ी में बहुत सारी एसेसरीज भी लगी हुई है, जिसकी वजह से इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पूरा फ्रंट का व्यू देखेंगे तो 1745 मिलीमीटर गाड़ी की चौड़ाई है। बड़े साइज का लोगो मिल जाता है क्रोम पे। मैट ब्लैक कलर की ग्रिल दी गई है, नीचे भी क्रोम की अंडरलाइन दी गई है। पूरा हेडलैम्प यूनिट देखेंगे तो प्रोजेक्टर में हाइलोजन बल्ब का यूज किया गया है। साइड में टर्न इंडिकेटर मिल जाता है और इसका थ्रो बहुत शानदार है। नीचे फॉग लाइट नहीं मिलती बेस मॉडल में, अगर आप चाहते हैं तो शोरूम में ही लगवा सकते हैं। साइड में ये लगा हुआ है, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। पूरा फ्रंट का व्यू देखेंगे तो जिस जगह में ब्लैक कलर का यूज किया गया है पूरा ही मैट ब्लैक कलर है। पूरा बोनट एरिया देखेंगे तो अच्छा खासा चौड़ा है। ऊपर डुबल वाइपर और वॉफर का फिटअप किया गया है। रूफ देखेंगे तो पूरी तरह से प्लेन है। पीछे रेगुलर एंटीना मिल जाता है और इस गाड़ी में बेस मॉडल से लेके टॉप मॉडल तक कहीं पे भी आपको सनरूफ देखने के लिए नहीं मिलेगा। पूरा साइड का व्यू देखेंगे तो कुछ इस टाइप से डिज़ाइन किया गया है। इस गाड़ी की सेफ्टी की बात करें तो 2 एयरबैग, ABS प्लस EBD, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सभी अच्छे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे 15 इंच का टायर मिल जाता है स्टील रिम के साथ और ये व्हील कवर भी एसेसरीज का पार्ट है। आगे वाले टायर में डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक दिया है। फेंडर पे टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो क्रोम का यूज किया गया है, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। ORVM देखेंगे तो मैट ब्लैक कलर में दिया गया है, इसको हाथ से ही फोल्ड करना पड़ेगा, पूरी तरह से मैनुअल है। डोर हैंडल ब्लैक कलर में मिलते हैं लेकिन यहाँ पे क्रोम का यूज किया गया है। नीचे भी क्रोम की क्लैडिंग मिल जाती है, ये सब कुछ एसेसरीज का ही पार्ट है। और पीछे वाले टायर में ड्रम ब्रेक मिलता है, आगे डिस्क ब्रेक दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि व्हील कवर आपको गाड़ी के साथ नहीं मिलेगा, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। पूरा विंडो एरिया देखेंगे तो बड़े साइज का दिया है। पीछे एक क्वार्टर ग्लास भी मिल जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर स्पेस अच्छा खासा फील होता है। पूरा रियर का डिज़ाइन देखेंगे तो कुछ इस टाइप से लगता है। जिस जगह में क्रोम का यूज किया गया है वो चीज़ें अलग से हाईलाइट होती हैं और प्रीमियम लगती हैं। और यही वजह है कि ये गाड़ी इतनी ज़्यादा सेल होती है, इसको लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, हमेशा ही टॉप 3 बेस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में बनी रहती है। बीच में बड़े साइज का लोगो मिल जाता है क्रोम पे, ऊपर क्रोम की ही चौड़ी पट्टी दी गई है। बेस मॉडल में कोई भी वाइपर नहीं मिलता लेकिन यहाँ पर डिफॉगर, हाई स्टॉप माउंटेन लैम्प और स्पॉयलर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बलिनो की बैजिंग दी गई है क्रोम पे। पूरा टेल लैंप यूनिट देखेंगे तो यहाँ पे LED का यूज किया गया है। ये चीज़ें जब ऑन रहती हैं ना तो रात के टाइम में बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो आपको इंडिकेटर और रिवर्स पार्किंग लैंप मिल जाता है क्रोम की। यहाँ पे साइड में थोड़ा सा टच दिया गया है, जिसकी वजह से ये चीज़ें थोड़ा सा और भी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। नीचे देखेंगे तो ये क्रोम का यूज किया गया है, ये एसेसरीज का पार्ट है। यहाँ पे कैमरा भी मिल जाता है, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं और 4 रिवर्स पार्किंग वाले अल्ट्रासोनिक सेंसर मिल जाते हैं बेस मॉडल में, ये भी बहुत अच्छी बात है। लगभग 170 मिलीमीटर के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, ख़राब रास्तों में भी आप गाड़ी को आसानी से लेके जा सकते हैं। 37 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। ये गाड़ी पेट्रोल और CNG में मिल जाती है, डीजल में नहीं मिलती। पूरा साइड से व्यू देखेंगे तो कुछ इस टाइप से है। डिज़ाइन बहुत शानदार है यार, डिज़ाइन को लेके आप कोई शिकायत नहीं कर सकते। पीछे 2 रिफ्लेक्टर भी दिए गए हैं। अब एक बार हम इसका बूट ओपन करके देखते हैं कि अंदर क्या स्पेस मिलता है और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। बूट ओपन करने के लिए यहीं पे मैग्नेटिक बटन मिल जाती है, जिसको प्रेस करके आसानी से ओपन कर सकते हैं। ऊपर देखेंगे तो अच्छी तरह से कवर किया गया है, ये चीज़ें बेस मॉडल में देख के अच्छा लगता है। 318 लीटर का अच्छा खासा बड़े साइज का बूट स्पेस दिया गया है और यहाँ पर देखेंगे तो अच्छी खासी गहराई है, तो थोड़ा सा सामान उतारने और चढ़ाने में दिक्कत हो सकती है अगर आपके पास बड़े साइज के बैग हैं, लेकिन स्पेस ठीक ठाक साइज का है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं मिलती लेकिन हुक वगैरह मिल जाता है, तो आप सामान वगैरह टांग सकते हैं। पूरा बूट स्पेस देखेंगे ना तो जगह अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे स्पेयर व्हील रखा हुआ है, 15 इंच की साइज है, स्टील रिम के साथ मिलता है।
अगर आप बूट और भी ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं तो बेस मॉडल में ही आपको 60-40 के रेशियो में सीट को फोल्ड करने का ऑप्शन दिया गया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो अपने सामान के हिसाब से आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। अब एक बार इसका बूट बंद करते हैं और देखते हैं कि पैसेंजर साइड क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। सबसे पहले हम इसका डोर देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि डोर की ओपनिंग अच्छी है, तो गाड़ी के अंदर बैठने और उतरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो डुअल टोन है, यहाँ पे ब्लैक कलर में आपको ओपनर मिल जाता है। इंडिविजुअल पावर विंडो का बटन दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक में सॉफ्ट टच देखने के लिए मिलता है ब्लू कलर में। स्पीकर इसमें नहीं मिलता है, अगर आप चाहते हैं तो आफ्टर मार्केट या शोरूम से ही लगवा सकते हैं। जैसे अंदर का पूरा स्पेस देखेंगे तो कुछ इस टाइप से ये सीट कवर लगा हुआ है, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और सभी के लिए डेडिकेटेड सीट बेल्ट भी दिया गया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप कुछ चीज़ें देखेंगे ना तो बेस मॉडल की तरह नहीं दी गई हैं, पूरी तरह से टॉप मॉडल की तरह ही हैं। जैसे यहाँ पे सीट को आसानी से आप फोल्ड भी कर सकते हैं और बहुत आसानी से हो जाती है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से आप फोल्ड कर लीजिए, आप सामान रख लीजिए। 2520 मिलीमीटर का व्हील बेस दिया गया है, तो स्पेस की कोई कमी नहीं है। जैसे यहाँ पे पीछे एसी नहीं मिलता और लेकिन यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, ऊपर मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, हम पे ना के बराबर है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। कैबिन लाइट आपको सिर्फ बीच में मिलती है, आगे भी नहीं दी गई है। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, क्वार्टर ग्लास भी दिया गया है। तो गाड़ी के अंदर अगर आप बैठेंगे ना तो एरिया फील होगा, रूमी सा लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि छोटी गाड़ी में बैठे हुए हैं। अब एक बार हम इसका ड्राइवर साइड का डोर ओपन करके देखते हैं। सभी चीज़ें देखेंगे तो आपको पैसेंजर साइड की तरह ही देखने को मिलेंगी, पूरा उसी टाइप से कलर कॉम्बिनेशन है, लेकिन डोर की ओपनिंग अच्छी है यार, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। गाड़ी के अंदर बैठने और उतरने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे भी ब्लैक और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन है, ओपनर मिल जाता है, चारों पावर विंडो के बटन दिए गए हैं, सेंटर लॉकिंग की बटन मिल जाती है, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन का फीचर भी मिल जाता है। यहाँ पे पूरा फैब्रिक में सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया है। 1 लीटर की बॉटल और थोड़ा बहुत सामान और भी रख सकते हैं। अंदर का पूरा इंटीरियर देखेंगे तो कुछ इस टाइप से डिज़ाइन किया गया, पूरा ही ब्लैक और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन है। सभी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है बेस मॉडल में। और इसकी सीट देखेंगे ना तो आपको बहुत शानदार मिलती है, अच्छा आपको इसमें कंफर्ट मिल जाता है। हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप इसको रिक्लाइन में एडजस्ट कर सकते हैं, सीट को आगे और पीछे भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा, जो इसमें सीट कवर लगा हुआ है ना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मुझे लगता है कि इतना शानदार आपको आफ्टर मार्केट नहीं मिलेगा। सीट अगर देखेंगे, इसकी कुशनिंग देखेंगे, इसका कंफर्ट देखेंगे तो अच्छा मिल जाता है। अब एक बार मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और आपको एक एक करके और भी चीज़ें बताता हूँ कि क्या फ़ीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले हम इसका डोर बंद करते हैं। पूरा स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन देखेंगे तो फ्लैट बॉटम वाला है और ये जो कवर लगा हुआ है ये भी एसेसरीज का पार्ट है। बीच में लोगो मिल जाता है क्रोम पे, सराउंडिंग में पूरा क्रोम का ही यूज़ किया गया है। नीचे एयरबैग और दोनों साइड हॉर्न मिल जाते हैं, कोई भी इसमें कंट्रोल नहीं मिलता, ये बेस मॉडल है। इधर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वाइपर का कंट्रोल दिया है और राइट साइड में हेड लैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए और इंडिकेटर का कंट्रोल मिल जाता है। सामने देखेंगे तो सेमी डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है, लेफ्ट साइड में टैकोमीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर दिया है 220 की स्पीड के साथ। बीच में डिजिटल MID मिल जाती है जिसमें भरपूर इंफॉर्मेशन दी गई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात करें तो इसको आप टिल्ट कर सकते हैं और सिर्फ टिल्ट ही होता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं दिया गया, सिर्फ आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, आगे पीछे नहीं कर सकते। उसके बाद आपकी नज़र जाएगी इसके पूरे सेंटर कंसोल पे। यहाँ पे देखेंगे तो बेस मॉडल में आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, पूरा ही रिक्त स्थान मिलता है, खाली रहता है, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हजार्ड बटन, दोनों साइड AC दिया है। यहाँ पे ग्लॉसी सिल्वर कलर का यूज किया गया है, ये सबसे प्रीमियम लगता है। इस गाड़ी के पूरे इंटीरियर पे 4 चांद लगा देता है। बेस मॉडल में फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है और आगे यहाँ पे कप होल्डर भी दिया गया है, इसमें भी आप बॉटल वगैरह रख सकते हैं। हैंड ब्रेक मिल जाता है, यहाँ पे जैसे मोबाइल कुछ रख सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं रख पाएंगे। ऊपर डे नाइट वाला मैनुअल IRBM दिया गया है। ड्राइवर साइड के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ सनवाइजर मिलता है और को ड्राइवर साइड के ऊपर भी सिर्फ सनवाइजर ही मिलता है, कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल दिया गया है और तीनों ही फोल्डेबल वाले मिल जाते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। जैसे पूरा डैशबोर्ड देखेंगे तो ये चीज़ें देखने में बहुत प्रीमियम लगती है। यहाँ पे ट्रिपल कलर का यूज किया गया है, नीचे ब्लू कलर, बीच में ग्लॉसी सिल्वर और ऊपर ब्लैक कलर है
और ये जो ग्लॉसी कलर है ना, इसकी सुंदरता पे चार चांद लगा देता है। नीचे डिफरेंट साइज का ग्लव बॉक्स भी है, इसमें भी आप अपना पेपर वर्क वगैरह रख सकते हैं, भरपूर सामान आ जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, बलिनो के बेस मॉडल में कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो सभी कंपनी अपनी टॉप मॉडल में भी बहुत मुश्किल से देती हैं। जैसे फर्स्ट हो गया इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सभी एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ये बहुत अच्छे फीचर्स हैं। साइड में कुछ इस टाइप से एसी नोब मिल जाता है, नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन और हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए मिल जाता है। नीचे एबीसी पेडल दिया है, साइड में डेडिकेटेड डेट पेडल दिया गया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। बोनट और फ्यूल टैंक यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये तो हो गई इस गाड़ी के इंटीरियर और एक्सटीरियर की पूरी कहानी, पूरे फीचर्स। अब एक बार हम इसके इंजन की बात कर लेते हैं। इसमें 1.2 लीटर का के सीरीज BF6 फेज 2 वाला फुली रिफाइंड इंजन मिल जाता है, जो 5 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है और इसमें 88 BHP की मैक्सिमम पावर और 113 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है और इस इंजन से लगभग 22 KMPL की माइलेज भी क्लेम की जाती है। और अगर ये गाड़ी आप CNG में लेते हैं फिर तो लगभग 30 KMPL का माइलेज मिल जाता है। ओवरऑल अगर इस गाड़ी की बात की जाए तो देखने में तो बहुत शानदार लगती है, भरपूर माइलेज मिल जाता है, फीचर्स भी अच्छे मिल जाते हैं और सेफ्टी भी अच्छी मिल जाती है। तो आज के ये वीडियो और ये गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।